जल्दी लेके आओ कैमरा। कौन है इधर? कैमरा लेके आओ, लाइट लेके आओ। इधर है क्या कोई? दिखाओ। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई सोई हुई है। कौन है ये? नशीड़ी अड्डा बना दिया है, गजेड़ी अड्डा बना दिया है, शराबी अड्डा बना दिया है, कबाबी अड्डा बना दिया है, वैसे आवृत्ति करने वाला जगह बना दिया है। आप देख सकते हैं इसमें गांजा है, इसमें गांजा है। कौन सोई हुई है पता नहीं। अब हो सकता है कि यहाँ के आसपास के लोग अभी मुझे मिले, गांव तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो पता चलेगा। देख सकते हैं कोई सोई हुई है यहाँ पे। अभी हम लोग एक स्कूल के गेट पे हैं और देख सकते हैं ये गेट है और बाउंड्री किया हुआ है, लेकिन मेन गेट नहीं लगाया गया है। और हम लोग रांची जा रहे हैं और मुझे पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हाईवे पे मुझे पानी नहीं मिल रहा है जिस सड़क पे हूँ मैं। और यहाँ पर चापाकल मुझे दिख रहा है स्कूल में, देखिए बहुत ज़्यादा घास फूस बड़ा हुआ है। तो हम लोग पानी लेने के लिए उतरे हुए हैं। अब पानी लेते हैं, दिखाइए पानी चल रहा है कि नहीं। देखते हैं पानी चल गया। अच्छा बात है कि झारखंड के सरकारी स्कूल में पानी चल रहा है, और बहुत खुशी हुई कि कम से कम स्कूल में घास भूसा बढ़ा हुआ है लेकिन पानी चल रहा है। देख सकते हैं आप। हाँ पानी ले लिए। क्या हुआ? इधर से है। कौन है उधर? लाइट जल रहा है। ए लेके आओ तो लाइट इधर से। कोई हमारे कैमरामैन बोले कि उधर कोई है, देखते हैं हम लोग। इधर दिखाइए कोई है क्या? यहाँ पे देखिए कोई सोई कोई है। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई सोई हुई है। कौन है ये? इधर कोई है? इधर कोई पता चला है क्या कुछ? कौन है इधर है? आइए जल्दी जल्दी, जल्दी लेके आओ कैमरा। कौन है इधर? कैमरा लेके आओ, लाइट लेके आओ। इधर है क्या कोई? दिखाओ। इधर है क्या है? आप देख सकते हैं ये क्या है? स्कूल का भवन है, और स्कूल के भवन में आप देख सकते हैं, हमको लगता है कि बाउंड्री खुला था, बाउंड्री है लेकिन गेट नहीं लगा हुआ है। इस कारण से आप देख सकते हैं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्या हुआ है। ये देख लीजिए, माउंटेन ड्यू है, कोल्ड ड्रिंक है, और ये हमको लग रहा है सिगरेट है। देख सकते हैं आप, दो गो सिगरेट भी है, और ये आधा सिगरेट पिया हुआ है। देख सकते हैं ये चखना उखना होगा। और ये देख लीजिए, पानी शराब उराब कुछ होगा, लेके भाग गया, ये सब देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर स्कूल में स्कूल है ऑन रोड पे, बाउंड्री किया हुआ है, और बाउंड्री करने के बाद वहाँ पर अगर मेन गेट पे अगर गेट नहीं लगाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये क्या स्थिति है। क्या झारखंड के सरकारी स्कूलों को नशेड़ियों का अड्डा कहें तो ठीक होगा? आप ज़रा हमें कमेंट करके बताइए। देख सकते हैं आप, अब कौन है हम लोग, क्योंकि नया है यहाँ पे, अब पीछे पीछे हम लोग जा नहीं सकते हैं, डर लगता है भाई रात को, क्योंकि रात को अभी बता देता हूँ कितना समय हो रहा है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए 8:26 हो रहा है, कैमरा मैन दिखा दीजिए, 8:26 हो रहा है। और 8:26 में देख सकते हैं आप ये कितनी भयावह स्थिति है। मैं जगन्नाथ महतो जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड के सभी स्कूलों में बाउंड्री करा के वहाँ पर गेट लगाने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? ज़रा आप हमें बताइए कितनी। आप देख सकते हैं ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के कौन था यहाँ पर जो नशेड़ी की तरह यहाँ पर स्कूल को जो है नशेड़ी अड्डा बना दिया है, गजेड़ी अड्डा बना दिया है, शराबी अड्डा बना दिया है, कबाबी अड्डा बना दिया है, वैसे आवृत्ति करने वाला जगह बना दिया है। आप देख सकते हैं ये पता नहीं क्या पी रहा था, क्या खा रहा था। और ये चिलम हमको लगता है, इसमें गांजा है। और यहाँ के लोग जो भी होगा यहाँ पे पी रहा होगा, आराम से बैठ के देख सकते हैं, गांजा दारू भांग नशा। ये देखिए सिगरेट पी के आधा छोड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है झारखंड के सरकारी स्कूलों में। अब हम तो पीछे तो जा नहीं सकते हैं, कौन है, हम पानी लेने के लिए उतरे थे, पानी हम भर लिए, लेकिन अब बताइए कि क्या झारखंड के सरकारी स्कूलों में बाउंड्री करा के गेट लगाने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से, और इस क्षेत्र के विधायक जी से। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ कौन है कौन नहीं था? ये दिखाइए, कहीं भी गेट नहीं लगा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर खिड़की नहीं लगा हुआ है, और इधर से छलांग मार के उधर निकल गया होगा लोग। देख सकते हैं आप हमारे आते आते, क्योंकि मुझे जो है उतना आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या है सिस्टम। देख सकते हैं आप, ये पूरा खुला है, और ये हमको लगता है कि भवन पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं होता। देख सकते हैं इधर बोर्ड है। तो क्या झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे या यहाँ के आसपास के लोग स्कूल में नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, चरस लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं? पता नहीं। एक वहाँ पे कोई सोई हुई थी लेडीज़ हैं, अब पता नहीं कौन सोई हुई है, आप समझ से परे है भाई। अब डर लग रहा है हमको भी इस स्थिति को देख के कि भाई हमारे साथ 3-4 लोग हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। बाहर आइए, एक बार इधर दिखाने की कोशिश कीजिए तो।
यहाँ पे दिखाइए तो, इधर इधर दिखाइए कैमरामैन, देख सकते हैं इधर से निकल के इधर इधर दिखाइए, आगे निकल गया होगा लोग, पीछे आइए देख सकते हैं। तो ये जो है नशेड़ियों का अड्डा है, आप देख सकते हैं झारखंड का सरकारी स्कूल। क्या झारखंड के सरकारी स्कूलों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है? अगर यहाँ पर गेट लगा दिया जाता तो कोई भी यहाँ पर आने से पहले सोचता। आप देख सकते हैं मेन स्कूल वहाँ है, अब हम उधर जाएंगे नहीं कि स्कूल का स्थिति क्या है। आप देख आइए, बाहर आ जाइए और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए इधर, यहाँ पे देखिए ये कौन सोई हुई है पता नहीं। अब हो सकता है कि यहाँ के आसपास के लोग अभी मुझे मिले, गांव तो मुझे दिख नहीं रहा है तो पता चलेगा। देख सकते हैं कोई सोई हुई है यहाँ पे, अब पता नहीं कौन सोई है। ये डर भी लग रहा है हमको क्योंकि हमारा पता नहीं कौन सोई हुई है। अब देख सकते हैं स्कूल में सोई हुई है। उधर दिखाइएगा, दिख रहा है क्या? वो देखिए स्कूल का उधर भी भवन है। तो सवाल ये है कि अगर बाउंड्री किया हुआ है, देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर गेट लगाया होता, अगर ये अच्छे से बाउंड्री किया होता तो आज ये स्थिति नहीं दिखती। कोई भी आके सूत जा रहा है, कोई भी आके दारू पी रहा है, कोई भी आके वेश्यावृत्ति कर रहा है तो ये नहीं होता। लेकिन ये हो रहा है क्योंकि यहाँ शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आधारभूत चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं इधर से निकल के भाग गया होगा पीछे उधर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज। सबसे पहले झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल का बाउंड्री करा के और जो गेट होता है वहाँ पर गेट लगाने की ज़रूरत है। बने रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।